टू बायोलॉजिक्स एंड CSIR सीरीज 2020। तो हम लोग मेटाबॉलिज्म पार्ट वन में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं क्या ग्लाइकोलिसिस के बारे में, कैसे ग्लाइकोलिसिस का पाथवे रेगुलेट होता है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट एंजाइम्स होते हैं, ठीक है ना, कौन से रेगुलेटरी स्टेप्स होते हैं। और हमने डिस्कस किया था हेक्सोकाइनेज के बारे में, उसके दो क्लासेस के बारे में, मायोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज, ठीक है ना, और कौन सा फॉर्म ऑफ हेक्सोकाइनेज कौन से सेल में पाया जाता है और क्यों पाया जाता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें डिस्कस की थी। फिर हमने फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज के बारे में डिस्कस किया था, है ना, उसके एलोस्टेरिक इनहिबिशन और फीडबैक मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। तो अगर आपने वाला लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, क्योंकि उसको देखने के बाद ही ये आज का लेक्चर आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ये एक सीरीज़ हम चला रहे हैं जो एग्ज़ाम CSIR 2020 नवंबर में होने वाला है उसके लिए, ठीक है ना। आप इसको एज ए रिविज़न क्लास ले सकते हैं, एज ए क्रैश कोर्स ले सकते हैं, जैसे भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें हम वो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं जो फ्रिक्वेंटली CSIR के एग्ज़ाम में पूछी जाती है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, आज हम ग्लाइकोलिसिस से थोड़ा सा और आगे चलते हैं और डिस्कस करेंगे हम ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है ना। मैंने आपको बोला था कि हम इसके बाद TCA साइकिल पे आएंगे, ठीक है, लेकिन मैंने सोचा कि TCA साइकिल पे चलने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जो कि ग्लूकोनियोजेनेसिस है। मैंने कल ग्लाइकोलिसिस पढ़ाने के बाद जब देखा तो कई जगह पर ग्लूकोनियोजेनेसिस से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना, और बहुत छोटा सा टॉपिक है, जल्दी से कवर कर लेते हैं। बहुत सिंपल है, अगर आपको ग्लाइकोलिसिस समझ में आ गया है, जो कि मैंने कल समझाया था अच्छे से आपको लास्ट वीडियो में, तो ग्लूकोनियोजेनेसिस बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। कुछ भी नहीं है, जस्ट अपोजिट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, है ना। ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है वो जस्ट क्या है, अपोजिट ऑफ ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज या सुक्रोज, है ना, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज होता है ग्लाइकोलिसिस में, किसमें, पायरुवेट में, तो लास्ट प्रोडक्ट होता है इसका पायरुवेट, ठीक है। तो जो ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस इसका जस्ट अपोजिट होता है, उसमें क्या होता है, पायरुवेट से बनता है वापस आपका ग्लूकोज, है ना। तो अगर आप इस तरफ से बात करें ग्लूकोज टू पायरुवेट, तो आप इसको ग्लाइकोलिसिस बोल सकते हैं, और अगर पायरुवेट टू वापस ग्लूकोज की बात करें तो आप उसको ग्लूकोनियोजेनेसिस पाथवे बोलेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गई कॉमन और सिमिलैरिटी की बात, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं दोनों पाथवेज में, और वो ही आपको याद रखने हैं, वो ही आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं CSIR पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो हम सिर्फ उनको ही फोकस करेंगे, ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं जाएंगे जहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, ठीक है। जब डिटेल में वीडियोस बनाने की बात आएगी ये वाला सीरीज़ ख़त्म करने के बाद, तब मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आपको आपके साथ शेयर करनी चाहिए मैं ज़रूर बनाऊँगा, ठीक है, जैसे कि मैं बनाता भी हूँ। अगर आपने रामाचंद्रन प्लॉट देखा होगा, ठीक है, तो आप उसमें देखेंगे कि मैंने पूरा रामाचंद्रन प्लॉट डिटेल में डिस्कस किया है, लेकिन अभी उसका टाइम नहीं है क्योंकि वी आर फोकसिंग द CSIR नवंबर 2020 एग्ज़ाम। चलो फटाफट आ जाते हैं यहाँ पे। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि स्टार्टिंग कहाँ से होती है, पायरुवेट से, है ना। तो इसमें क्या होता है, आप ध्यान से हर एक स्टेप को समझोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे समझना। यहाँ से आप देखो, पहले ये वाला स्टेप देखो, लास्ट स्टेप, लास्ट लेक्चर देखा होगा तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। ग्लाइकोलिसिस में लास्ट स्टेप क्या था आपका, फॉस्फोइनोल पायरुवेट टू पायरुवेट, है ना। ये एक स्टेप में ही कंप्लीट हो रहा था, मतलब फॉस्फोइनोल पायरुवेट PEP से कन्वर्ट हो रहा था आपका पायरुवेट विद द हेल्प ऑफ पायरुवेट काइनेज। तो यहाँ पे एक ही स्टेप सफिशिएंट था इसके कन्वर्जन के लिए, राइट, ठीक है। लेकिन जब ग्लूकोनियोजेनेसिस की बात होती है तो पायरुवेट से वापस फॉस्फोइनोल पायरुवेट कन्वर्ट होने में दो स्टेप की रिक्वायरमेंट होती है, देख रहे हो आप यहाँ पे, पायरुवेट टू फॉस्फोइनोल पायरुवेट। तो यहाँ पे एक और मॉलिक्यूल बीच में आ जाता है जिसको बोलते हैं हम ऑक्सेलो एसिटिक एसिड, है ना। तो यहाँ पे दो स्टेप में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो पहला जो स्टेप होता है वो होता है आपका पायरुवेट टू ऑक्सेलो एसिटिक एसिड, और यहाँ पे जो एंजाइम होता है वो होता है आपका पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, ठीक है। तो जितने एंजाइम आपको ग्लूकोनियोजेनेसिस में बता रहा हूँ आपको सिर्फ वही याद रखने हैं, क्वेश्चन वहीं से पूछे जाएंगे। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाते हैं जो डिफरेंट स्टेप्स हैं ग्लाइकोलिसिस से, है ना, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे पायरुवेट को कौन कन्वर्ट कर रहा है, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, किस में, ऑक्सेलो एसिटिक एसिड में, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है, ऑक्सेलो एसिटिक एसिड से कन्वर्ट होता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट में, और एंजाइम होता है आपका फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सी काइनेज, ठीक है। चलो इसके बाद कि यहाँ पे दो स्टेप में क्यों कन्वर्जन होता है, है ना, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो दो स्टेप में इसलिए कन्वर्ट होता है क्योंकि जो फॉस्फोइनोल की जो पायरुवेट की जो एनर्जी होती है ना वो पायरुवेट से ज़्यादा होती है, ठीक है।
इसीलिए यहाँ पे दो स्टेप की रिक्वायरमेंट पड़ती है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब दूसरी चीज़, यहाँ पे आप देखो कि दोनों स्टेप पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, जो पहला स्टेप होता है जहाँ पे पाइरूवेट कार्बोक्जिलेज यूज़ हो रहा है, पाइरूवेट टू ऑक्सलोएसिटिक एसिड कन्वर्टर है, वहाँ पे आपका एक एटीपी यूज़ होता है। ठीक है, और सेकंड स्टेप पे आपका एक जीटीपी यूज़ होता है ना। आप एटीपी और जीटीपी के बारे में मैं डिटेल में कभी और डिस्कस करूँगा, बस अभी जल्दी से ये बताता हूँ कि इनके बीच में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि एक्चुअली दोनों ही एनर्जी कैरियर मॉलिक्यूल होते हैं, लेकिन जो यूनिवर्सल और मेजर एनर्जी कैरियर मॉलिक्यूल होता है वो एटीपी होता है। ठीक है, और जीटीपी जो होता है वो स्पेसिफिकली कहीं कहीं पे किसी किसी स्पेशल सिग्नलिंग पाथवेज में इन्वॉल्व होता है, सब जगह जीटीपी यूज़ नहीं होता। ठीक है, तो अभी हम ज़्यादा इस चीज़ में नहीं जाएंगे, अभी हम फोकस कर रहे हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस पे, इसके बारे में कभी और फुर्सत में बात करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप पे आपका यूज़ हो रहा है एटीपी, सेकंड स्टेप पे आपका यूज़ हो रहा है जीटीपी। चलो, आपका बन गया फॉस्फोइनोल पाइरूवेट। हम यहाँ से उल्टा जा रहे हैं, ध्यान रखना इस चीज़ को। तो फॉस्फोइनोल पाइरूवेट ये रहा आपका। ठीक है, पाइरूवेट से फॉस्फोइनोल पाइरूवेट बन चुका है, उल्टा जा रहे हैं हम, ग्लूकोनियोजेनेसिस पढ़ रहे हैं। अब फॉस्फोइनोल पाइरूवेट बनने के बाद यहाँ से लेकर फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट तक के स्टेप सारे के सारे सेम होते हैं आपके ग्लूकोनियोजेनेसिस में। ऑल 5 स्टेप्स आर सेम एज इन ग्लाइकोलिसिस, जैसे ग्लाइकोलिसिस में होता है। ठीक है, आप यहाँ पे देखो ना कि फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से लेकर फॉस्फोइनोल पाइरूवेट तक सारे के सारे रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं। मतलब इससे ये भी बन सकता है, वापस भी ये बन सकता है, इससे ये बन सकता है, इससे फिर वापस ये बन सकता है। तो सारे के सारे रिएक्शंस कैसे हैं? रिवर्सिबल। तो ये जो स्टेप्स हैं ये सारे सेम होते हैं जैसे कि ग्लाइकोलिसिस में चलते हैं। ठीक है, बस डिफरेंस एक क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे आप ध्यान से देखना कि यहाँ पे आपका फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट से जब आपका 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनता है तो यहाँ पे आपकी एटीपी रिलीज़ होती है ना, 2 एटीपी रिलीज़ होती है। जब हम ग्लाइकोलिसिस की बात कर रहे हैं, हम ग्लूकोज से पाइरूवेट की तरफ जा रहे हैं, तो 2 एटीपी आपकी रिलीज़ हो रही है। लेकिन अगर हम उल्टा जाएंगे तो फिर क्या होगा, एटीपी यूटिलाइज़ होगी। तो यहाँ पे बस क्या होता है, सारे रिएक्शन सेम होते हैं, बस एटीपी 2 यूज़ होती है इसमें, है ना, क्योंकि हम उल्टा देख रहे हैं। वैसे ही इस स्टेप पे जहाँ पे 2 NAD पॉजिटिव यूटिलाइज होकर 2 NADH बना रहे हैं, मतलब आपको 2 NADH मिल रहे हैं ग्लाइकोलिसिस के पाथवे में, तो इसका उल्टा होगा, यहाँ पे 2 NADH यूटिलाइज हो जाएंगे आपके कौन से पाथवे में, ग्लूकोनियोजेनेसिस के पाथवे में। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे आपके 2 ATP यूटिलाइज होते हैं और 2 NADH यूटिलाइज होते हैं, और सारे 5 स्टेप्स आपके कॉमन होते हैं जैसे कि ग्लाइकोलिसिस में आपके चलते हैं। ठीक है, चलो, फॉस्फोइनोल पाइरूवेट से आपका बन गया फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। ठीक है, अब फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट तो किससे बन रहा था, ये आपका बन रहा था फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से, है ना। तो जब इसमें क्या बात करेंगे, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से आपका क्या बनेगा, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, है ना, उल्टा डायरेक्शन में चल रहे हैं। ठीक है, ये बन गया। तो देखो यहाँ पे आपका जो एंजाइम होता है वो आपका हो जाता है चेंज। ठीक है, और एक चीज़ और आपको बता दूँ कि ये चेंज कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं, उन्हीं स्टेप पे आ रहे हैं जो स्टेप ग्लाइकोलिसिस में इरिवर्सिबल थे, मतलब वापस बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं आ सकते थे। ध्यान से देखो, एक तो ये वाला स्टेप है हेक्सोकाइनेज वाला, जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, दूसरा स्टेप है आपका ये वाला फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज वाला, जहाँ पे फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट कन्वर्ट हो रहा है। और लास्ट स्टेप जहाँ पे पाइरूवेट काइनेज यूज़ हो रहा है, जो कि फॉस्फोइनोल पाइरूवेट से पाइरूवेट बन रहा है। तो ये 3 स्टेप ही डिफरेंट होते हैं आपके ग्लूकोनियोजेनेसिस में। ठीक है ना, तो पहला स्टेप तो आपने पढ़ लिया, ये वाला जहाँ पे आपका यहाँ पे पाइरूवेट काइनेज यूज़ हो रहा था, तो यहाँ पे कैसे डिफरेंस आया, है ना, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। इसके बाद ये सारे के सारे 5 स्टेप्स कॉमन थे। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कॉमन थे। अब ये वाला जो रिवर्सिबल स्टेप था आपका ग्लाइकोलिसिस में, ये आपका डिफरेंट होता है किसमें, ग्लूकोनियोजेनेसिस में। कैसे, यहाँ पे आपका यूज़ हो रहा है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से जब कन्वर्ट हो रहा है फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में, तो एंजाइम यूज़ हो रहा है फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। लेकिन जब हम ग्लूकोनियोजेनेसिस की बात करेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट कन्वर्ट होगा किसमें, आपका फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में। फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है आपका फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, और एंजाइम यूज़ हो रहा है फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेटेज, है ना। फॉस्फेटेज क्या करता है, फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करता है।
ठीक है, तो इसने क्या किया, एक फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कर दिया। ये देख रहे हो आप, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आपका यहाँ से रिमूव हो गया, है ना। तो यहाँ पे पहले दो फॉस्फेट थे कार्बन नंबर 1 पे और कार्बन नंबर 6 पे, अब यहाँ पे सिर्फ कार्बन नंबर 6 पे है। चलो, आपका फ्रुक्टो 6 फॉस्फेट बन चुका है, ठीक है, फ्रुक्टो 6 फॉस्फेट ये रहा। तो ये किससे आपका बन रहा था, ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से बन रहा था फ्रुक्टो 6 फॉस्फेट। तो ग्लूकोनिजेसिस में क्या होगा, इसका उल्टा होगा, फ्रुक्टो 6 फॉस्फेट से बनेगा आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टो 6 फॉस्फेट से आपका बन रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और ये भी आपका सेम होता है ग्लाइकोलिसिस में, ग्लाइकोलिसिस के पाथवे के साथ, ठीक है। तो ये भी हम बोल देते हैं सेम एज इन ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। तो ये भी सेम होता है आपका ग्लाइकोलिसिस के जैसा ही, ये वाला स्टेप। चलो, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया। अब आते हैं हमारे सबसे पहले ग्लाइकोलिसिस के सबसे पहले स्टेप पे और ग्लूकोनियोजेनेसिस के सबसे लास्ट स्टेप पे। तो यहाँ पे आप देखो, ग्लूकोज से बन रहा था आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, है ना। तो इसका मतलब ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या होगा, इसका जस्ट उल्टा होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से आपका बनेगा ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से आपका बन रहा है ग्लूकोज, ठीक है। और यहाँ पे एंजाइम होता है हेक्सोकाइनेज यूज़, लेकिन यहाँ पे आपका यूज़ होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। मतलब फॉस्फेटेज क्या करता है, फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करता है। तो यहाँ पे इसने फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कर दिया, ठीक है ना। तो ये भी इरिवर्सिबल स्टेप है, ये इरिवर्सिबल स्टेप है, और ये वाले इरिवर्सिबल स्टेप है। तो ये तीन, ठीक है, कौन कौन से तीन स्टेप, एक तो ये वाला, ठीक है, दूसरा आपका ये वाला, और थर्ड ये तीन स्टेप आपको ध्यान रखने हैं, जो कि डिफरेंट होते हैं फ्रॉम ग्लाइकोलिसिस। और क्या डिफरेंस होता है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो जल्दी से इसका एक बार रिएक्शन देख लेते हैं कि इसमें क्या होता है। आप देखो, एक चीज़ और ध्यान से देखना, आपको बताने जा रहा हूँ इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखो आप, जब मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, जब एक ग्लूकोज ब्रेकडाउन होता है तो आपको कितने मिलते हैं, दो पाइरूवेट मिलेंगे, है ना, दो पाइरूवेट मिलते हैं एक ग्लूकोज ब्रेक होता है। तो यहाँ पे एक ग्लूकोज बनने के लिए कितने पाइरूवेट चाहिए, दो पाइरूवेट चाहिए ना, तभी तो आपके यहाँ पे, अभी देखो, अगर एक पाइरूवेट से तो एक ग्लूकोज बन नहीं सकता, मिनिमम दो पाइरूवेट तो चाहिए ही। तो दो पाइरूवेट यहाँ पे आपको चाहिए, इसलिए यहाँ पे आपकी दो एटीपी लगेगी और दो एडीपी मिलेगा, यहाँ पे दो जीटीपी लगेगी और दो जीडीपी मिलेगा, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें सही हैं। चलो, तो अब इसका रिएक्शन देख लेते हैं। रिएक्शन में क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखना रिएक्शन को, रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। दो पाइरूवेट यूज़ हो रहे हैं, देर आर टू पाइरूवेट्स, ठीक है, दो NADH यूज़ हो रहे हैं, यहाँ पे देखो दो NADH, चार ATP यूटिलाइज हो रही है, ठीक है, चार ATP कहाँ से, दो ATP तो ये हो गई और दो ATP हो गई ये, ठीक है, चार ATP, फोर ATP और टू GTPs यूज़ हो रही है, ठीक है, दो GTP ये, दो GTP यूज़ हो रही है। और बन क्या रहा है आपका, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल, दो NAD पॉजिटिव, है ना, NADH यूज़ होगा तो क्या निकलेगा, NAD पॉजिटिव, तो दो NAD पॉजिटिव, चार ATP यूज़ हो रही है ना, तो ATP से कन्वर्जन किस में होगा, ADP में, तो ADP जो मिलेगी चार और दो GDP मिलेगी। तो इस रिएक्शन को आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ, ठीक है, उसको आप ध्यान से समझेंगे, ठीक। चलो, ग्लूकोनियोजेनेसिस समझ लिया आपने, उसके फटाफट हम उसके दो चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं, जो कि अब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या है, इट इज़ द रिवर्सिबल ऑफ ग्लाइकोलिटिक पाथवे, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, ओनली थ्री स्टेप्स आर डिफरेंट फ्रॉम ग्लाइकोलिसिस दैट आर इरिवर्सिबल रिएक्शंस, है ना। और फर्स्ट स्टेप इज नॉट कैटलाइज्ड इन ए सिंगल स्टेप, मैंने बताया था ना, ये सिंगल स्टेप में नहीं होता, दो स्टेप्स में होता है। बिकॉज द एनर्जी ऑफ पीईपी फॉस्फोनोइल पाइरूवेट इज वेरी मच हायर एज कम्पेयर टू पाइरूवेट, इसीलिए दो स्टेप में होता है ना। उसके बाद है ना, और मतलब इस स्टेप को आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, ए सिंगल एटीपी मॉलिक्यूल इज़ नॉट सफिशिएंट इनफ टू कैटलाइज पाइरूवेट टू पीईपी, एक एटीपी है ना, एक एटीपी रिक्वायर सफिशिएंट नहीं है पाइरूवेट को ऑक्सलोएस्टेट में कन्वर्ट होने के लिए। एक एटीपी क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो दो पाइरूवेट से दो ऑक्सलोएस्टिक एसिड बन रहे हैं ना, लेकिन और दो के लिए दो एटीपी चाहिए, तो हम एक इसलिए बोल रहे हैं कि अगर एक पाइरूवेट एक ऑक्सलोएस्टिक में कन्वर्ट हो रहा है तो एक एटीपी सफिशिएंट नहीं है
पाइरोवेट को डायरेक्टली फॉस्फोनिल पाइरोवेट में, इसलिए दोनों स्टेप्स पे एटीपी आपकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। इस पे एटीपी और इस पे जीटीपी, एटीपी जीटीपी ऑलमोस्ट इक्वली होते हैं, थोड़ा बहुत बेसिक डिफरेंस होता है, वो कभी और डिस्कस करेंगे। तो ये हो गए इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स अबाउट द ग्लूकोनियोजेनेसिस, है ना। अब जल्दी से एक इंपॉर्टेंट एंजाइम और एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। अगर आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में मैंने आपको साथ डिस्कस किया क्या था, हेक्सोकाइनेज होते हैं आपके दो टाइप के, एक होता है ग्लूकोकाइनेज और दूसरा होता है आपका मायोकाइनेज, ठीक है। और मैंने बताया था ग्लूकोकाइनेज कहाँ मिलता है, आपका लिवर सेल में, मायोकाइनेज मिलता है मसल सेल में, ठीक है। तो उसको जाकर देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीज़, ठीक है। और मैंने वो भी बताया था क्यों मिलता है, ठीक है। वैसे ही एक सेम कंसेप्ट यहाँ पे आपका आ रहा है इस वाले एंजाइम के लिए, ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेटेज, ठीक है। अब क्या होता है ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेटेज, क्या होता है ये, क्या होता है ये एंजाइम जो होता है ना ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेटेज, ये आपका जो किडनी और लिवर सेल होता है, ठीक है, किडनी और लिवर सेल, ठीक है, उसके ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेटेज, ठीक है, ये एक एंजाइम है जो कि कन्वर्ट करता है आपका ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट को ग्लूकोज में, मतलब ग्लूकोज बना रहा है, ठीक है। तो ये जो एंजाइम है ना, ये आपका कहाँ पे प्रेजेंट होता है, कहाँ पे प्रेजेंट नहीं होता, ये कभी कभी इंपॉर्टेंट है और कभी कभी एग्ज़ाम में हमेशा ही इंपॉर्टेंट है और कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये जो एंजाइम है ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेटेज, ये आपका मेजरली पाया जाता है कहाँ पे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ लिवर एंड किडनी सेल्स, ठीक है। और ये एब्सेंट होता है, ये होता ही नहीं है कहाँ पे, एब्सेंट इन मसल एंड ब्रेन सेल्स, इसका रीज़न आपको बताऊंगा अभी, ठीक है, अभी बताता हूँ। तो आप रीज़न समझ जाएंगे, अगर आपने आसानी से समझ जाएंगे अगर आपने लास्ट लेक्चर को हेक्सोकाइनेज वाला कंसेप्ट अच्छे से समझा होगा, ठीक है, उसको ज़रूर देख लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो लिवर और किडनी सेल होती है ना, वहाँ पे ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेटेज मेजरली पाया जाता है, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि लिवर सेल में आपका ग्लूकोज स्टोर होता है ना, स्टोर होता है। और क्यों स्टोर होता है, उसका भी रीज़न बताया था कि जो ग्लूकोकाइनेज है उसका KM क्या होता है, बहुत लो होता है, लो होता है तो क्या होता है, ग्लूकोकाइनेज और ग्लूकोज के बीच में एफिनिटी बहुत हाई होती है, ठीक है, सॉरी KM आपका बहुत हाई होता है, KM हाई होता है, ठीक है ना, कहाँ पे, लिवर सेल में जो ग्लूकोकाइनेज है, ग्लूकोकाइनेज का एंजाइम है और उसका KM होता है आपका बहुत हाई, KM हाई होता है तो KD हाई होता है ना, और KD हाई होने का मतलब डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट ज़्यादा, तो वहाँ पे क्या होता है कि ग्लूकोकाइनेज और ग्लूकोज के बीच में एफिनिटी होती है बहुत कम, तो वो ग्लूकोज को बाइंड बहुत वीकली करता है और कन्वर्ट नहीं करता ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट में, तो वहाँ पे क्या होता है ग्लूकोज एक्यूमुलेट होता रहता है। तो ये चीज़ मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाई थी, उसको जाके देख लीजिए। तो क्या होता है ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेटेज, क्या होता है आपके लिवर और किडनी सेल में प्रेजेंट होता है, क्यों, क्योंकि लिवर और किडनी सेल में ग्लूकोज को एक्यूमुलेट होना होता है, ग्लूकोज स्टोर होना ज़रूरी है लिवर सेल और किडनी सेल में। तो जब यहाँ पे लिवर सेल और किडनी सेल में ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेटेज होगा तो वो क्या करेगा, ज़्यादा कन्वर्ट करेगा किसको, ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेट को ग्लूकोज में, और वहाँ पे ग्लूकोज स्टोर होता रहेगा, ठीक है, और वहाँ पे होना भी चाहिए, उसका फंक्शन ही वही है लिवर और किडनी सेल का कि ग्लूकोज को स्टोर करता है, ठीक है। और ये एब्सेंट होता है मसल्स और ब्रेन सेल में, क्यों, बेसिक सा कंसेप्ट है कि मसल सेल में और ब्रेन सेल में बहुत एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ना, आप ब्रेन को बहुत यूज़ करते हो, वहाँ पे कंटिन्यूसली ग्लूकोज आपको चाहिए होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करके एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, मसल सेल्स को भी कंटिन्यूस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए वहाँ पे क्या होता है ये एंजाइम एब्सेंट होता है ग्लूकोज सिक्स फॉस्फेटेज, ठीक है, जो कि इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। तो मसल और ब्रेन सेल में ग्लूकोज स्टोर नहीं होता, ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे, नोट्स में इंक्लूड कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, ठीक है। तो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं TCA साइकिल, लेकिन अभी TCA साइकिल पे नहीं आएंगे, अभी हम क्या करेंगे डिस्कस, देखो ये जो पाइरुवेट यहाँ बना था, ठीक है, पाइरुवेट आपका जाता है TCA साइकिल में, लेकिन इसके बीच में यहाँ पे आपका पाइरुवेट तो जाता नहीं है TCA साइकिल में, क्या जाता है आपका, पाइरुवेट से पहले कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए,
पाइरूवेट से कन्वर्ट होता है आपका एस्टाइल को ए, और फिर ये एस्टाइल को ए जाता है आपका TCA साइकिल में, ठीक है। और यहाँ पे जो एंजाइम होता है जो पाइरूवेट को एस्टाइल को एंजाइम में कन्वर्ट करता है वो होता है आपका PDH कॉम्प्लेक्स। ये कॉम्प्लेक्स क्या है, क्योंकि इसमें इस कॉम्प्लेक्स में तीन एंजाइम्स इन्वॉल्व है, तीन एंजाइम मिलके कॉम्प्लेक्स बनता है, ठीक है। तो हम TCA साइकिल से पहले इसको ज़रूर डिस्कस करेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ से, ठीक है। तो चलो डिस्कस करते हैं कि कैसे पाइरूवेट से कन्वर्जन होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में विद द हेल्प ऑफ PDH कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो चलते हैं PDH कॉम्प्लेक्स पे, ठीक है ना। और PDH कॉम्प्लेक्स क्या करता है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको PDH कॉम्प्लेक्स पे आएंगे, उससे पहले आपको एक जल्दी से रिवाइज करवा देता हूँ कि कौन सा प्रोसेस कहाँ पे होता है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में ग्लाइकोलिसिस वाले लेक्चर में बताया था कि ग्लाइकोलिसिस होता है आपका इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। ये सेल है मान लो, ठीक है, और ये सेल का जो है ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है। और उसके अंदर होता है आपका साइटोप्लाज्म में क्या होता है, बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, उसी में से एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो जो ग्लाइकोलिसिस होता है वो होता है साइटोप्लाज्म में, और ग्लाइकोलिसिस का प्रोडक्ट क्या होता है, पाइरूवेट, है ना। और पाइरूवेट बन साइटोप्लाज्म में बनने के बाद चला जाता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। यहाँ पे बना साइटोप्लाज्म में और तुरंत एंटर कर गया माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद पाइरूवेट कन्वर्ट होता है आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए में, ठीक है। अब एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होने के बाद ये एसिटाइल कोएंजाइम में जाता है आपका TCA साइकिल में, ठीक है। तो पाइरूवेट को एस्टाइल कोए में कन्वर्ट कौन कर रहा है, वो कर रहा है PDH कॉम्प्लेक्स, जो कि अब अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे होता है आपका ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, किसका, पाइरूवेट का। पाइरूवेट का होता है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन और बनता है एस्टाइल कोएंजाइम ए। तो कार्बोक्सिलेशन क्या होता है, कार्बोक्सिलेशन होता है रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये होता है डीकार्बोक्सिलेशन, और एडिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है कार्बोक्सिलेशन। तो इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। अब चलते हैं कि PDH कॉम्प्लेक्स कैसे काम करता है और ये PDH कॉम्प्लेक्स कैसे फॉर्म होता है ना, इसके सब यूनिट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, ये जो PDH कॉम्प्लेक्स होता है इसमें तीन एंजाइम्स होते हैं। कौन कौन से, पहला जो होता है वो आपका एंजाइम जो आप रेड कलर में देख रहे हैं, ये होता है पहला एंजाइम, इसका नाम है पाइरूवेट डीहाइड्रोजिनेज, ठीक है। दूसरा जो एंजाइम आप ग्रीन कलर में दिख रहे हैं वो आपका होता है डाईहाइड्रोलिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज, जिसको मैंने E2 से डिनोट किया है, ठीक है। तीसरा जो एंजाइम होता है वो आपका ब्लू कलर में आपको दिख रहा है, वो है डाईहाइड्रोलिपोइल डीहाइड्रोजिनेज, ठीक है। तो इन तीनों एंजाइम्स के नाम आपको ध्यान रखने हैं, इन तीनों एंजाइम से मिलकर आपका बनता है क्या, PDH कॉम्प्लेक्स। अब इन ये तीनों एंजाइम कैसे अपना काम करते हैं और इनके कौन कौन से कोफैक्टर्स हैं, हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप ज़रा ध्यान से देखिए कि ये जो पाइरूवेट आया है, पाइरूवेट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ, फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, यू नो वेरी वेल, राइट। तो पाइरूवेट जब बन जाता है ग्लाइकोलिसिस से क्या होता है, अब यहाँ पे आप देखो, ये है पाइरूवेट का स्ट्रक्चर, ठीक है। पाइरूवेट का होता है डीकार्बोक्सिलेशन और कार्बन डाइऑक्साइड आपका रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो ये डीकार्बोक्सिलेशन कौन करवाता है, वो करवाता है आपका एंजाइम वन ऑफ PDH कॉम्प्लेक्स। एंजाइम वन क्या है, पाइरूवेट डीहाइड्रोजिनेज, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो रहा है डीकार्बोक्सिलेशन, मतलब CO2 निकल रहा है, CO2 यहाँ से निकल गया, ये CO2 ग्रुप है, ठीक है, CO2 आपका निकल गया। CO2 निकलने के बाद बचता है आपके पास ये एसिटाइल ग्रुप, ठीक है। अब ये क्या, एसिटाइल ग्रुप कहाँ जाता है, तो जो ये जो एंजाइम वन है आपका पाइरूवेट डीहाइड्रोजिनेज, इसका एक कोफैक्टर होता है, वो होता है आपका थायमिन पाइरोफॉस्फेट, TPP, ठीक है। तो ये जो थायमिन पाइरोफॉस्फेट होता है, इस पे ये वाला एसिटाइल ग्रुप ट्रांसफ़र हो जाता है, आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, मैंने रेड से शो किया है। तो TPP पे ये ट्रांसफ़र हो गया एसिटाइल ग्रुप, और इसका नाम आप पड़ गया क्या, हाइड्रोक्सी इथाइल थायमिन पाइरोफॉस्फेट, मतलब थायमिन पाइरोफॉस्फेट से कन्वर्ट हो गया किसमें, हाइड्रोक्सी इथाइल थायमिन पाइरोफॉस्फेट। तो एंजाइम वन में ये होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि इसको वापस किसमें जाना है, थायमिन पाइरोफॉस्फेट में होना है कन्वर्ट। तो यहाँ पे जब इसका ऑक्सीडेशन होता है तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं, ठीक है। थायमिन हाइड्रोक्सी इथाइल थायमिन पाइरोफॉस्फेट का जब ऑक्सीडेशन होता है बैक टू थायमिन पाइरोफॉस्फेट, तो यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं अभी बताता हूँ। अब आ जाओ आप इस एंजाइम टू में, ठीक है। एंजाइम टू जो कि होता है आपका डाईहाइड्रोलिपोइल ट्रांस एसिटाइलेज, ठीक है, ट्रांस एसिटाइलेज, मतलब यहाँ पे ट्रांसफ़र हो रहा है किसका, एसिटाइल ग्रुप का, कहाँ से कहाँ पे, अभी देखिए ध्यान से, ठीक है। तो इसके पास होता है एक लिपोलाइसिन, ठीक है,
लिपोलाइसिन जो होता है ना यहाँ पे, वो सबसे पहले आपका प्रेजेंट होता है ऑक्सीडाइज फॉर्म में, ठीक है, ऑक्सीडाइज फॉर्म में प्रेजेंट है ये। ये देखिए ऑक्सीडाइज फॉर्म का मतलब यहाँ पे जो दो सल्फर ग्रुप प्रेजेंट हैं लिपोलाइसिन में, ये दोनों आपस से लिंक्ड हैं विद द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड, इसलिए ये ऑक्सीडाइज फॉर्म है। किसका? लिपोलाइसिन का, ठीक है, लिपोलाइसिन का ऑक्सीडाइज फॉर्म है। तो क्या होता है कि अभी मैंने जो आपको बताया था कि इस ऑक्सीडेशन से जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करवाते हैं, इसका इस बॉन्ड को ब्रेक करवा देते हैं, मतलब इसका रिडक्शन हो जाता है, रिड्यूस करवा देते हैं बॉन्ड को। और जब ये रिड्यूस होता है तो क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। और जब बॉन्ड इसका ब्रेक होता है, उसी के साथ साथ क्या होता है, ये जो एसिटाइल ग्रुप है वो ट्रांसफ़र हो जाता है इसके सल्फर पे, है ना, यहाँ पे सल्फर पे ट्रांसफ़र हो गया। तो मतलब लिपोलाइसिन पे ट्रांसफ़र हो गया आपका क्या, एसिटाइल ग्रुप, किससे, थायमिन पाइरोफॉस्फेट से, हाइड्रोक्सी इथाइल थायमिन पाइरोफॉस्फेट पे जो एसिटाइल ग्रुप था वो ट्रांसफ़र हो गया किस पे, लिपोलाइसिन पे। वो किसने करवाया, एंजाइम 2 ने। और जब लिपोलाइसिन पे ये एसिटाइल ग्रुप ट्रांसफ़र हो गया तो इसको नाम दिया गया एसाइल लिपोलाइसिन, ठीक है। अब आप यहाँ पे आपका एसाइल लिपोलाइसिन बन चुका है, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पे कि यहाँ पे एक और को फैक्टर होता है, वो होता है आपका को एंजाइम ए, ठीक है, को एंजाइम ए, ठीक है। और इस पर आपका अटैच है थायोसल्फेट ग्रुप, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो आपका एसाइल लिपोलाइसिन है, इसका कन्वर्जन होता है आपका आपका रिड्यूस्ड लिपोलाइसिन में, है ना, और ये सब इसी एंजाइम 2 में ही हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये कोफैक्टर आता है, ये एंजाइम इस कोफैक्टर को यूज़ करता है, कोएंजाइम ए को क्या करता है, अपने इस एसाइल लिपोलाइसिन से ये एसिटाइल ग्रुप उठा के इस पर डाल देता है, कोएंजाइम ए पे, ठीक है, ठीक दिख रहा है आपको, कोएंजाइम ए पे इसने एसिटाइल ग्रुप ट्रांसफ़र कर दिया, तो ये इसका बन गया ये एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है। ये देखो ये रेड वाला ग्रुप एसाइल लिपोलाइसिन से ट्रांसफ़र हो गया आपका कोएंजाइम ए पे, ठीक है, कोएंजाइम ए के साथ यहाँ पे एसाइल ग्रुप अटैच हो गया, तो इसी का नाम है एसिटाइल कोएंजाइम ए। और यही होता है आपका फाइनल प्रोडक्ट ऑफ पीडीएच कॉम्प्लेक्स, है ना, और यही एसिटाइल कोएंजाइम ए आपका एंटर करेगा टीसीए साइकिल में। यहाँ तक तो समझ में आ गया, ठीक है। तो क्या होता है, अब जब ये एसिटाइल कोएंजाइम में ट्रांसफ़र होता है, एसिटाइल कोएंजाइम में फॉर्म होता है, बनता है, और ये जब एसिटाइल ग्रुप ट्रांसफ़र होता है आपका एसाइल लिपोलाइसिन से कोएंजाइम ए पे, तो क्या होता है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये एसाइल लिपोलाइसिन से कन्वर्ट हो जाता है रिड्यूस्ड लिपोलाइसिन में, देख रहे हो यहाँ पे दो एसएच ग्रुप अपने फॉर्म हो जाते हैं, एसएच ग्रुप, ठीक है। तो ये आपका कहलाता है रिड्यूस्ड लिपोलाइसिन। तो यहाँ पे तीन टाइप के आपको लिपोलाइसिन मिलेंगे, ऑक्सीडाइज्ड लिपोलाइसिन, एसाइल लिपोलाइसिन और रिड्यूस्ड लिपोलाइसिन, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि एसिटाइल कोएंजाइम ए तो बन चुका है, जो कि आपको चाहिए था फाइनल प्रोडक्ट इसमें टीसीए साइकिल में एंटर करने के लिए। तो एंजाइम 3 की क्या ज़रूरत है, एंजाइम 3 बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें। वो क्या करता है कि ये जो रिड्यूस्ड लिपोलाइसिन बना है ना, ये इसको रीजनरेट कर देता है किसमें, ऑक्सीडाइज्ड लिपोलाइसिन में। क्यों, ऑक्सीडाइज्ड लिपोलाइसिन भी तो ज़रूरत है ना, क्योंकि दोबारा क्या करना है इसको, यहाँ से एसिटाइल ग्रुप ट्रांसफ़र करवाना है किस पे, कोएंजाइम ए पे, इसी प्रोसेस के थ्रू, तो इसका वापस बनना ज़रूरी है ना। तो क्या होता है कि ये जो रिड्यूस लिपोलाइसिन है वो वापस रीजनरेट हो जाता है, रीजनरेशन ऑफ डाइसल्फाइड फॉर्म ऑफ लिपोएट, मतलब लिपोइक एसिड या लिपोलाइसिन, ठीक है। तो वो कौन करवाता है, एंजाइम 3, बाय यूजिंग इट्स कोफैक्टर सच एस FAD एंड NAD पॉजिटिव। यहाँ तक समझ में आया, तो एंजाइम 3 का रोल क्या है, रीजनरेट करवाना रिड्यूस लिपोलाइसिन को ऑक्सीडाइज्ड लिपोलाइसिन में, ठीक है। तो ये था आपका पीडीएच कॉम्प्लेक्स का फंक्शन, ठीक है। आपको पीडीएच कॉम्प्लेक्स अच्छे से समझ के जाना है, पढ़ के जाना है, इसका कॉम्पोजिशन अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है सीएसआईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब यहाँ पे जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं कि पीडीएच कॉम्प्लेक्स के कौन कौन से कोफैक्टर्स हैं, है ना। तो कौन कौन से कोफैक्टर्स होते हैं, पहला आप देखिए यहाँ पे, ये है आपका TPP, थायमिन पाइरोफॉस्फेट। थायमिन पाइरोफॉस्फेट किसका कोफैक्टर होता है, वो होता है आपका एंजाइम 1 का, है ना, यहाँ पे एंजाइम 1 का कोफैक्टर है थायमिन पाइरोफॉस्फेट, ठीक है। उसके बाद लिपोइक एसिड आपका कोफैक्टर होता है, कहाँ पे प्रेजेंट है लिपोइक एसिड, ये देख रहे हो लिपोलाइसिन, ये क्या आपका लिपोइक एसिड ही है, ठीक है, ये तीनों क्या है, लिपोइक एसिड है, और ये कोफैक्टर किसके हैं, एंजाइम 2 के, ठीक है। तीसरा कोफैक्टर जिसकी ज़रूरत पड़ती है पीडीएच कॉम्प्लेक्स को, वो है कोएंजाइम ए। ये इसके साथ इंटैक्ट नहीं होता, इसका पार्ट नहीं होता पीडीएच कॉम्प्लेक्स का, लेकिन पीडीएच कॉम्प्लेक्स को ज़रूरत पड़ती है, ये कोएंजाइम ए पे ही तो ये एसिटाइल ग्रुप ट्रांसफ़र करता है, तो ये कोफैक्टर भी इसको
चाहिए होता है, ठीक है। उसके चौथा होता है एनएडी पॉजिटिव, जिसको आप नियासिन भी बोलते हो, ठीक है। और पांचवा होता है एफएडी पॉजिटिव, जिसको आप राइबोफ्लेविन भी बोलते हो, ठीक है। तो जो एनएडी पॉजिटिव और एफएडी पॉजिटिव होता है, ये कोफैक्टर्स किसके होते हैं? एंजाइम 3 के, ठीक है ना। तो आपको ये सारे कोफैक्टर्स याद रखने हैं और याद रख के एग्ज़ाम में जाना है, सीएसआर के एग्ज़ाम में जाना है, क्योंकि वहाँ पे कई बार इन कोफैक्टर्स पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। और इसके साथ साथ कौन से एंजाइम का कौन सा कोफैक्टर है वो भी याद रखना, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलो, और सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ हमने डिस्कस कर ली है, बस एक लास्ट चीज़ जो कि आज की वीडियो की डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रेगुलेशन ऑफ पीडीएच कॉम्प्लेक्स। पीडीएच कॉम्प्लेक्स कैसे रेगुलेट होता है, अगर आपने ग्लाइकोलाइसिस का रेगुलेशन पढ़ लिया है तो ये आपको आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। रेगुलेशन का मतलब क्या, कि मान लो कोई रिएक्शन चल रही है ना, और उसका कोई हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है। तो जब प्रोडक्ट बहुत सारा एक्यूमुलेट हो जाता है तो क्या होता है, वो एक रिएक्शन को अपना फीडबैक भेजता है कि अभी रिएक्शन थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर दो, यहाँ पे बहुत सारा प्रोडक्ट्स एक्यूमुलेट हो गया है, ठीक है। तो वही होता है, क्या रेगुलेशन होता है, जैसा मैंने आपको ग्लाइकोलाइसिस में समझाया था, राइट। तो यहाँ पे कैसे रेगुलेट होता है पीडीएच कॉम्प्लेक्स, तो आपको पता है कि रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन हमारा एक तरीके से एनर्जी सोर्स है, रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू ही हमें बहुत सारी एनर्जी मिलती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एनएडीएच, राइट। तो सेल को जब लगता है कि अभी हमारे पास बहुत सारी एटीपी है, बहुत सारी एनएडीएच है, बहुत सारी एनर्जी है, तो वो क्या करता है, फीडबैक इनहिबिशन का प्रोसेस इनिशिएट करता है, जिससे क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस थोड़ी देर के लिए रुक जाता है, है ना। और फिर जब एनर्जी धीरे धीरे सेल में लो चली जाती है तो ग्लाइकोलाइसिस फिर से होने लगता है, जैसे कि मैंने आपको रेगुलेशन बताया था फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज का, है ना, उस पर एलोस्टेरिक साइट होती है, कैसे उसका फीडबैक इनहिबिशन होता है, तो आप उस लेक्चर को देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे रेगुलेशन कैसा होता है पीडीएच कॉम्प्लेक्स का, अब देखो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से, कि पीडीएच कॉम्प्लेक्स होता है आपके दो फॉर्म में, सबसे पहले बता दूँ आपको, एक होता है आपका एक्टिव फॉर्म और एक होता है आपका इनएक्टिव फॉर्म, ठीक है। तो जो इनएक्टिव फॉर्म होता है वो आपका होता है फॉस्फोराइलेटेड स्टेट में, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है, ठीक है ना। और जो एक्टिव फॉर्म होता है वो होता है आपका डीफॉस्फोराइलेटेड फेज में, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप अटैच नहीं है, है ना। तो ये कब एक्टिव होता है और कब इनएक्टिव होता है अभी बताऊँगा, ठीक है। और किसके थ्रू एक्टिवेशन और इनएक्टिवेशन होता है, तो दो एंजाइम होते हैं, कौन कौन से, एक होता है आपका पीडीएच काइनेज और एक होता है फॉस्फेटेज, ठीक है ना। तो क्या होता है कि, चलो डिस्कस करते हैं कि कब इनएक्टिव कब होता है, एक्टिव कब होता है। मान लो अभी कि आपके सेल में पीडीएच कॉम्प्लेक्स एक्टिव है, ठीक है, और आपको पता है कि पीडीएच कॉम्प्लेक्स का काम क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ पाइरूवेट इनटू एसिटाइल कोएंजाइम है, ठीक है। तो क्या होता है कि अभी ये मान लो एक्टिव है और ये कन्वर्ट करे जा रहा है लगातार पाइरूवेट को एसिटाइल कोएंजाइम ए में, ठीक है, और बहुत सारा एसिटाइल कोए बनता जा रहा है, तो क्या होगा, सिट्रिक एसिड साइकिल चलती जाएगी, ठीक है। उससे क्या होगी, आपको बहुत सारी एनर्जी मिलती जाएगी, है ना, बहुत सारी एटीपी मिलती जाएगी, एनएडीएच मिलते जाएगा, ठीक है, बहुत सारे सिट्रिक एसिड साइकिल के प्रोडक्ट्स एक्यूमुलेट होते चले जाएंगे। तो जब सेल के पास बहुत सारे सिट्रिक एसिड साइकिल के प्रोडक्ट्स एक्यूमुलेट हो जाएंगे, लाइक सिट्रेट मैलेट, या सेल के पास बहुत सारा एसिटाइल कोए एक्यूमुलेट हो जाएगा, जो कि प्रोडक्ट है आपका पीडीएच कॉम्प्लेक्स का, है ना, या सेल के पास बहुत सारी एनर्जी हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी और एनएडीएच, तो क्या होगा, थोड़ी देर के लिए पीडीएच कॉम्प्लेक्स को अपना काम करना रोकना पड़ेगा, है ना, तो उसको इनएक्टिव होना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। तो क्या होगा कि एटीपी एनएडीएच एसिटाइल कोएंजाइम ए सिट्रेट या मैलेट, ये सब क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं पीडीएच काइनेज को, पीडीएच काइनेज एंजाइम को। पीडीएच काइनेज क्या करता है, इसको एक्टिव फॉर्म ऑफ पीडीएच कॉम्प्लेक्स जो होता है, इसको इसके ऊपर फॉस्फेट ग्रुप अटैच कर देता है, ठीक है, और ये हो जाता है आपका इनएक्टिव, है ना, ये आपका इनएक्टिव हो गया। क्यों इनएक्टिव को क्यों हुआ है, क्योंकि अभी सेल में बहुत सारी एटीपी है, ठीक है, बहुत सारे एनएडीएच हैं, बहुत एनर्जी है, बहुत सारे सिट्रेट मैलेट हैं, तो और पाइरूवेट से एसिटाइल कोएंजाइम नहीं बनाना अभी सेल को, समझ रहे हो, एसिटाइल कोए बहुत सारा है, इसलिए क्या किया, एसिटाइल कोए बहुत सारा जब जमा हो गया तो उसने पीडीएच काइनेज को एक्टिवेट कर दिया, और इसने क्या किया, पीडीएच कॉम्प्लेक्स को इनएक्टिवेट कर दिया, समझ रहे हो, बाय फॉस्फोराइलेटिंग। तो इस तरीके से इसका इनएक्टिवेशन होता है। अब इसका एक्टिवेशन कैसे होता है, ये भी बहुत आसान है। अब जब सेल को लगता है कि हमारे पास एनर्जी बहुत कम बची है, है ना, और बहुत सारा पाइरूवेट जमा हो गया है, पाइरूवेट बहुत सारा एक्यूमुलेट हो गया है, ठीक है, जब बहुत सारा पाइरूवेट एक्यूमुलेट हो जाएगा तो क्या होगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा ना पीडीएच कॉम्प्लेक्स को एसिटाइल कोए में,
तो जब बहुत सारा पायरेवेट जमा हो जाएगा, बहुत सारी एएमपी जमा हो जाएगी, बहुत सारा एनएडीए पॉजिटिव जमा हो जाएगा, ये सब किसके इंडिकेटर्स हैं? लो एनर्जी के। तो सेल को लगेगा अब हमारे पास लो एनर्जी है, अब पीडीएच काइनेस पीडीएच कॉम्प्लेक्स को एक्टिवेट करना ही पड़ेगा। तो ये सब क्या करेंगे, फॉस्फेटेज एंजाइम को पॉजिटिव सिग्नल भेजेंगे कि अब आपको एक्टिवेट होना पड़ेगा। फॉस्फेटेज एक्टिव हो जाएगा और फॉस्फेटेज एक्टिवेट होने के बाद क्या करेगा, फॉस्फेटेज क्या करता है, फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करता है। और जब ये फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव करेगा तो आपका पीडीएच कॉम्प्लेक्स हो जाएगा डीफॉस्फोराइलेट, और डीफॉस्फोराइलेटेड पीडीएच कॉम्प्लेक्स क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है। एक्टिव हो गया, अभी क्या करेगा, पाइरूवेट से एसिटाइल कोएंजाइम बनाएगा और वो जाएगा सिट्रिक एसिड साइकिल में, बहुत सारी एनर्जी मिलेगी। तो इस तरीके से पीडीएच कॉम्प्लेक्स का रेगुलेशन होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि ये मेटाबॉलिज्म वाला पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, कैसा लग रहा है ये वाला सीरीज़ आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है ना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्या, टी सी एस साइकिल के बारे में, ठीक है। टी सी एस साइकिल को पढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये वाली वीडियो और इससे पहले वाली जो ग्लाइकोलिसिस वाली वीडियो है, इन दोनों को अच्छे से रिवाइज कर लेना, अच्छे से देख लेना, क्योंकि इनको समझने के बाद ही आपको टी सी एस साइकिल समझने में आसानी होगी। और एक चीज़ और, ये जो मेटाबॉलिज्म वाला पार्ट है, अगर आप इसको कंटिन्यूस रिवाइज करते रहेंगे तो ये आपके लिए बहुत आसान होगा, ठीक है। लेकिन जहाँ आपने इसका रिविज़न बंद किया तो यही सबसे ज़्यादा मुश्किल आपके लिए क्रिएट कर देगा, ठीक है। और ये बहुत आसान टॉपिक है, बहुत आसान आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में सीएसआईआर के, तो इसको आप सीएसआईआर के एग्ज़ाम तक हर दूसरे तीसरे दिन रिवाइज़ करते रहिए, ठीक है ना, ताकि आप कोई भी क्वेश्चन यहाँ से आए तो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो आप स्क्रीनशॉट ले लो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। Thank you.